करना चाह रहे हैं हम जल्दी, हमने बात कर लिया है, डिप्टी सीएम को भी कह दिया है और कह दिए वो बात करेंगे अपना अपनी पार्टी के लोगों को, बाकी सब लोगों से बातचीत हो गई, वो जब बातचीत कर लेंगे और उसके बाद जब बोल देंगे तभी ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, वो कभी भी हो सकता है, उनका ही एक कमेंट अभी मिलना है, कह चुके हैं। इन प्रिंसिपल तो पहले ही से हम लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन हम तो इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहते हैं कि इसके बारे में सब लोगों की समझ बहुत साफ होनी चाहिए कि हम किस तरह से करेंगे सेंसस, सब लोगों की राय, और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा हम खाली आपको इतना ही बता देते हैं कि इसके बारे में कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, सब पर हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन जब तक सबकी राय हो जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है उसको बताएंगे उसी मीटिंग में और उसके बाद उसको फाइनल करेंगे, तो ऑल पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार उसको ऐलान कर देगी निर्णय लेकर, तो यही है तरीका, पूरी बात हो जाना चाहिए, हम लोग इसके पक्ष में, ये सबको फायदा होगा। हाँ थोड़ा दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके लिए हमारे मंत्री ने भी बात किया, चिट्ठी लिखा, हमारे मुख्य सचिव ने भी लिखा और कल हमने भी बात किया और बात कर कहा कि नहीं, हमको आश्वस्त किए हैं कि हम लोग अब जो आ रहा था बाहर से पूरा मंगवा रहे हैं, सब जगह से आ रहा है, जो हमको तो कल एश्योर किया है केंद्रीय मंत्री ने कि 7 दिन के अंदर पूरे पर्याप्त में हम पहुंचा देंगे, तो ये पूरी बात हुई है, हमने सब अपने संबद्ध अधिकारियों को और मंत्री को सबको कहा कि कॉन्शस रहिए, जब वो कहे हैं कि इतना आएगा तो एक एक चीज़ को देखिए कि कितना आ रहा है, और जो आप मांग किए हुए उसको देखते रहिए, नज़र देखते रहिए, देख रहे हैं, तो कल शाम में हमारी रात में बात हुई, तब एक दो दिन के बाद फिर हम उसका पूरा समीक्षा करेंगे और तभी कुछ कहना क्या कि देख रहे थे, तो ये सब जगह की समस्या थी, जितनी ज़रूरत है और जितना इसके लिए उत्पादन या बाहर से आयात, तो इस सब पर कुछ कमी हो गई, तो अब तो उसके लिए सब पूरा कर रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, तो हो सकता है कि अब जैसा उन्होंने कल आश्वस्त किया है कि समस्या का हल निकल जाए, लेकिन नज़र तो रखना पड़ेगा, तो इधर तो दिक्कत आ ही गई थी, तो हमारे तरफ से सब अपने राज्य की तरफ से सब लोग पूरे तौर पर कॉन्शस थे, फिर हमारे सामने भी लाए कि वैसा हो रहा, तो कल हमने भी बात किया। भाई खतरा तो है ही, अब तो दुनिया में आज ही रिपोर्ट आ गई है कि 21 लोग के करीब हो गया है, तो हर जगह जांच तो हो रही है, जब कहीं भी निकल गया तो इसका मतलब है कि फिर से तीसरे फेज का खतरा तो है ही, इसलिए हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं, हम लोगों की तरफ से तो जारी कर दिया गया और हमारे मंत्री जी ने भी इसके बारे में सब कुछ बता दिया, तो उसको ले करके हम लोगों ने मीटिंग कर ली है और क्या क्या करना है उसके लिए पूरे तौर पर सब लोग सजग और देख रहे हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे किसी को निकला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निकला तो ये है कि नहीं थर्ड फेज वाला ओमिक्रॉन है कि नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लग जाता है, 5-7 दिन लग जाता है।